नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल गोल पोस्ट। जिले में गौड़ खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम के लिए रीवा एवं शहडोल की टीम ने संयुक्त जांच टीम ने दिन शनिवार को जिले के मोरवा एवं जयंत इलाके में दबिश देते हुए रेत से भरी 3 ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई की। यह कार्रवाई प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर संचालक प्रशासन एवं खनिज कर्म भोपाल राजीव रंजन मीणा के द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन व भंडारण के रोकथाम के लिए रीवा एवं शहडोल संभाग के लिए गठित जाँच दल ने कलेक्टर अरुण परमार एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैसी के निर्देश पर एवं खनिज अधिकारी AK राय के मार्गदर्शन पर दिन शनिवार को दल प्रभारी बसंत राम, उप संचालक उड़न दस्ता प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा तथा जिले में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला एवं डॉक्टर विद्यकांत तिवारी के द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार संभागीय जांच दल द्वारा सिंगरौली तहसील अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर की गई जांच कार्रवाई के दौरान जयंत बलिया नाला के पास 2 स्वराज ट्रैक्टर नंबर UP 64Q 3228, ट्रैक्टर क्रमांक UP 64AU 78 रेत खनिज का अवैध उत्खनन परिवहन करते हुए पाए जाने पर उपरोक्त वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ पुलिस चौकी जयंत में खड़ा करवाया गया है। मोरवा क्षेत्र में की गई जांच कार्रवाई में ग्राम मिढ़ौली में एक पावर ट्रैक्टर को रेत खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षार्थ मोरवा थाना में खड़ा करवाया गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिए की जा रही जांच कार्रवाई में सैनिक दीन बंधु गजानन कुमार जगदीश जायसवाल की भूमिका सराहनीय है। अगर आप हमारे समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारी वीडियोस को ट्विटर और कूपर भी देख सकते हैं। ऐसी खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।